एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम 8 अलग अलग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से निकले पीएचडी एडमिशन 2022-23 के बारे में यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास केवल मास्टर डिग्री है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, अगर आपका नेट क्वालिफाई है या आपका जेआरएफ क्वालिफाई है तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं ताकि बार बार जो है मुझे ये रिपीट ना करना पड़े। सो मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। 5% की छूट यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी एंड दिव्यांग जनों को यहाँ पर दे दी जाती है। सो ये क्राइटेरिया सभी यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा। अगर कुछ वेरिएशन, कुछ अलग किसी यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया होगा तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, राइट। दूसरा, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है यहाँ पे वो दो प्रकार से है। अगर आपके पास केवल मास्टर डिग्री है सो एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आपका एडमिशन होगा, लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाई है या आपका जेआरएफ क्वालिफाई है, गेट क्वालिफाई है, जीपैट या नेशनल लेवल की कोई भी फेलोशिप आपके पास है, एमफिल डिग्री आपके पास है, तब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा से आपको यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी यही नियम फॉलो करती है। कुछ अगर किसी यूनिवर्सिटी में अलग यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होगा सो मैं यहाँ पे साथ के साथ मेंशन करूंगा। सो नाउ चलिए सबसे पहली यूनिवर्सिटी हम यहाँ पर देख, हमारी जो पहली यूनिवर्सिटी है वो उत्तर प्रदेश से है और ये अलीगढ़ से है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एंड पीएचडी एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे 7 नवंबर से प्रारंभ होकर 7 दिसंबर 2022 तक चलेंगे और लेट फीस ₹500 के साथ आप यहाँ पर 14th of December तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। 21 दिसंबर 2022 तक आपकी हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर पहुंच जानी चाहिए। एडमिट कार्ड आपका जनवरी 2023 के सेकेंड वीक में और एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट्स है वो आपकी जो जनवरी 2023 का फोर्थ वीक में जो है आपका यहाँ पर शेड्यूल्ड है। नाउ ये आपका एड्रेस रहेगा जहां पे आपको हार्ड कॉपी भेजनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने बता दिया, सेम रहने वाला है। नाउ यहाँ पे मैं बताऊं, जिनके पास फेलोशिप है, किसी भी प्रकार की फेलोशिप है या रेगुलर टीचर है यूनिवर्सिटी के या एफिलेटेड कॉलेज के, गेट क्वालिफाई है या सर्विंग आर्मी नेवी एयरफोर्स अफसर्स है, राइट, एमफिल डिग्री है, सो उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्रदान किया गया है। यहाँ पे केवल मास्टर डिग्री और जिनका नेट क्वालिफाई है उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन यहाँ पर दिया जाएगा। ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में रिसर्च मेथोडोलॉजी और पेपर टू में संबंधित सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। सिलेबस आपका नेट जेआरएफ का जो रहता है वही रहेगा, राइट। सो नाउ हम यहाँ पे जो है सीट्स देख लेते हैं एंड सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट यहाँ पे एजुकेशन, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, टीएसएसटी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, होम साइंस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, लॉ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14th of December तक है विद लेट फीस, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ये भी उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जिन कैंडिडेट्स का यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट या जेआरएफ अगर क्वालिफाई है सो उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्रदान किया गया है। सो वो यहाँ पर डायरेक्टली इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अब 30 नवंबर 2022 तक जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तिथि दिनांक 30 नवंबर 2022 तक विस्तारित की जाती है, यानी कि पहले ये 30 अक्टूबर थी लेकिन अभी एक महीना इसको बढ़ा दिया गया है, आप आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है एंड यहाँ पे जो है हम जो सीट्स है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, राइट। सो रिसर्च फैसिलिटी, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर में, उसके बाद यहाँ पे आर्ट में लगभग फाइन आर्ट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, लाइब्रेरी, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
काफी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे, लगभग 44 सब्जेक्ट जो है आपके पास यहाँ पर। सो अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो 30 नवंबर 2022 तक आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली, एंड यहाँ पे जो है एडमिशन, ये DTU है। एडमिशन के लिए जो है यहाँ पर PhD के लिए जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टीजमेंट जो है 3 नवंबर को आया था। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर से और 22 नवंबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आप कर पाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को है और इंटरव्यू आपका 19 दिसंबर एंड 20 दिसंबर को होगा, राइट। सो यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रिसर्च दोनों प्रकार से जो है यहाँ पर अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर, एंड यहाँ पे जो है आपको सिलेक्शन का प्रोसेस जो है आपका यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पे UGC, CSIR, DST, DBT, ICMR, GRF होल्डर है उनको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उससे एग्जेम्पशन आपको यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। बाकी सभी कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से जो है यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, राइट। नाउ हमारी जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे PhD जो है स्पेशलाइज्ड एरिया फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंसेस में आप जो है कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट है ये होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट का एंड डीम टू बी एन यूनिवर्सिटी है, NAAC E+ ग्रेड ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा अलग है, परसेंटेज यहाँ पर 60% मांगा गया है एंड फॉर फिजिकल साइंस MSc डिग्री इन फिजिक्स 60% अंकों के साथ एंड क्वालिफाइड होना चाहिए। जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट JEST 2022 या CSIR, UGC, NET एंड GATE, इनमें से एक आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फॉर लाइफ साइंस MSc इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, यहाँ पे भी 60% और ये सारे एग्जाम आपके इनमें से एक क्वालिफाई होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे 15 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं एंड यहाँ पे जो सिलेक्ट जो स्क्रीनिंग जो कैंडिडेट्स स्क्रीन कैंडिडेट्स होंगे उनका यहाँ पे इंटरव्यू होगा 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2022। सो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, वेस्ट बंगाल से है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। काफी सारे सब्जेक्ट के लिए जो है यहाँ पर PhD के लिए 1 by 1 जो है नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। सो यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जिनका नेट, सेट, एमफिल जिनके पास है उनको यहाँ पे जो है एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्रदान की जा रही है जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है। नाउ हम यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आपका 4 नवंबर, लास्ट डेट 2 दिसंबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। जो एग्जाम है आपका प्रवेश परीक्षा 5 दिसंबर को होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें ये सारे सिलेबस ऑफ फॉर रेट, ये इकोनॉमिक्स का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का जो है आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। नाउ यहाँ पे ये 31 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था, ऑलरेडी डिटेल्ड में मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ है, अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप डिटेल्ड में ये वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एडमिशन जो है यहाँ पे JNU में जिनका JRF क्वालिफाई है उनको एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्रदान की जाती है, लेकिन जिनका केवल नेट क्वालिफाई है या जिनके पास केवल मास्टर डिग्री है उनको एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से एडमिशन यहाँ पर मिलता है, राइट। सो यहाँ पे मैं बात करूं, अभी वे सभी कैंडिडेट जिनके पास केवल मास्टर डिग्री है या नेट क्वालिफाई है वो आवेदन कर सकते हैं। 20 नवंबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। काफी सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे और ये जो एग्जाम है इसका एंट्रेंस एग्जाम वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि UGC का नेट का भी जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनके द्वारा ये एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। काफी सारे सब्जेक्ट है, ये काफी सारे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट भी है एंड आप जो है ये सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। सो अधिक जानकारी के लिए मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट में दी गई है PhD कैरियर सीरीज में, राइट। सो नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी है कोलन यूनिवर्सिटी चाईबासा, झारखंड की जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी ऑलरेडी मैंने बता रखा है, सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइंस में
सोशल साइंस में, कॉमर्स में एंड ह्यूमैनिटीज में, ये सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहेंगे। और जिन कैंडिडेट्स के पास एमफिल, गेट, सैट, नैट, जेस्ट या फेलोशिप होल्डर हैं, उनको एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्रदान की जाती है। राइट, पैटर्न आपका यहाँ पर यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट की तरह जो है रहेगा, सिलेबस भी सेम रहेगा एज पर जो यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट का होता है। राइट, सो यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं कोलन यूनिवर्सिटी में। राइट, सो नेक्स्ट हमारी जो ये इंस्टीट्यूट है ये आई आई टी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको 11 नवंबर तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर इसकी डेट बढ़ती है तो मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है बताऊंगा। ये इसका डिटेल्ड में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोचर यहाँ पर दिया गया है। 60% यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज रखी गई है। राइट, मिनिमम 65% मार्क्स, फार्मेसी में 60%, साइंस में यहाँ पे 60%, ह्यूमैनिटीज में यहाँ पे 60%, सो एंड पीएचडी इन सिस्टम इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे जो है क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है 60% वाला, एंड यहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। राइट, यहाँ पे आपको 31,000 पर मंथ आपको यहाँ पर असिस्टेंटशिप यहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाएगी कैंडिडेट्स को। एंड यहाँ पे देर इज ए प्रोविजन फॉर एडमिशन टू पीएचडी फॉर कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एस जी आर एफ या एस आर एफ टेस्ट कंडक्टेड बाई यूजीसी और सीएसआईआर। यहाँ पे नेशनल लेवल का यहाँ पे जो है अगर आपके पास यहाँ पर फेलोशिप है, ठीक है, उनको यहाँ पे जो है एडमिशन जो है यहाँ पर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। एंड एडमिशन फॉर कैंडिडेट हु कम थ्रू पी वाई पी प्रोग्राम, वो भी यहाँ पे जो है एडमिशन फुल टाइम एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी। सो अधिक जानकारी के लिए जो है आप इस पीडीएफ को यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं। मैं इन सभी यूनिवर्सिटीज का जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे डाल दूंगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे जो सोशल लिंक्स है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, कीप वॉचिंग।